हजार हो रही है सुबह तो रात ही करने को देखने लो ये ली गई साल में लाइव चलाती वीडियो ये साजी कबूतर स्टार चेयरमैन का हाथ है ये गिफ्ट मिला उधर से पाकिस्तान बहुत अच्छा उसका वो बता ही ना कि चेयरमैन के हाथ का कबूतर हां ये चेयरमैन का हाथ नहीं तो मैंने देखा और मलिक आसिम के घर में वो सारे लोग बैठे हुए थे सर उसमें थोड़ा सा रीजन आ जाती है ना अगर आप टेम्परेचर देखें फिफ्टी ग्राम की हो जाती है बहुत सारे हमारे आधा ग्राम कहते हैं कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर तो और ही है ना यहाँ हाँ पचास में से पचास तक और इम्यूनिटी कहाँ तक आप गर्मी में सारे आप तो आए फोर्टी तक जाते ये सिर्फ पचास के ऊपर ये 49 के ऊपर बताते नहीं लेकिन फील 55 ऊपर जा रहा था इजीली जा रहा जिस तरह बाबा जी बता रहे थे कि अगर 40 जाती है ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली आपका जो वेदर है वो फील लाइक बढ़ जाएगा सर वो लाए उसमें मैं आपको बताता हूँ ना एक लॉ है ना वर्ल्ड का 50 को क्रॉस किया टेम्परेचर पर छुट्टी हो जाएगी मुल्क हो जाएगी ये तो फिर रोज ही मुल्क बंद रहेगी चार महीने तो मुल्क ही बंद करना पड़ जाएगा तो फिर इसलिए 49 में रोक देते हैं 49 भी नहीं लेके जाए 47 48 करो स्टार्टअप दे दो आगे का आज ही यहाँ पर मौजूद हैं उस्ताद यूसुफ हमदान की छत पर माशाल्लाह चैंपियन छत है ये दुबई की यूएई की और आज इत्तेफाक से काफ़ी सारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं जिनमें सरफहरिस्त उस्ताद बाबा सिकंदर बाबा जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम बड़ी खुशी हुई आप मुलाकात हम एक दूसरे को देख तो शायद सालों से रहे होंगे लेकिन बिल्कुल मुशाफा आज मुलाकात जो है बहुत कम हुई है और मैं बाजार से खुद जो है इनकी शख्सियत को बहुत पसंद करता हूँ खुल के बात करते हैं और जो जंग हम गुज़िश्ता 8-10 साल से लड़ रहे हैं शौकीनों के लिए शागिर्दों के लिए जो एक दुकानें लोगों ने खोली हुई थी उस पर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आवाज़ बुलंद की और काफ़ी सारा काम उस पर किया है इस टाइप की जो बात होती है गुफ्तगू होती है चाहे लोगों को बुरी लगे लेकिन उसमें हकीकत बहुत ज़्यादा मौजूद होती है हाँ। और सच बोलना चाहिए खुल के बोलना चाहिए उसमें किसी की नाराज़गी को नहीं देखना चाहिए जो आने वाले शौकीन हैं उन पर काम करना चाहिए आज अगर महंगे महंगे कबूतर फरोख्त होंगे शागिर्द खरीदेंगे उस्ताद बेचेंगे तो ये जो न्यू आने वाली जनरेशन है जो नस्ल है वो टाइम ऐसा होगा इस शौक से दूर चली जाएगी हमने कल एक जगह बात की कि आजकल जो नए बच्चे 8 साल 10 साल 9 साल की एज के जो बच्चे हैं उनके हाथों में सबके मोबाइल टच मोबाइल है कोई क्या खेल रहा है कोई व्हाट्सएप तो फलाना और ये गेमों में लग गए हमारी इस फील्ड में नए आने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत कम है आज जो लोग इस फील्ड में मौजूद हैं इस गेम में जो मौजूद हैं 10 साल बाद इससे काफ़ी कम हो जाएंगे और मज़ीद 20 साल बाद जो आज यंग है वो बूढ़े हो जाएंगे फिर उन बूढ़ों ने भी चला जाना है तो मुझे बताओ 50 साल बाद इस शौक का नाम लेने वाला कोई दुनिया में नज़र नहीं आ रहा होगा अगर होगा भी तो एवरेज बंदा होगा न्यू जनरेशन हमारे इस शौक में नहीं आ रही आटे में नमक के बराबर आ रही है वो सोशल मीडिया की वजह से तो सोशल मीडिया पर हम पॉजिटिव पैगाम दें लोगों को उजागर करें और मेथड सिखाएं कि शौक होता कैसे करना कैसे कबूतर बनाया कैसे जाता है माशाल्लाह मैं हमें फ़ख्र है और सलाम पेश करता हूँ बाबा सिकंदर को कि माशाल्लाह इन्होंने ये जो एक ले कर चले इस चीज़ को इस मसले को और आज तक खड़े हुए और किसी प्रेशर में आए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं बाबा जी क्या पैगाम देंगे जी शौकीनों को नहीं पीछे देखिए जी कायनात का खालिक मालिक मुसलमान कहती है अल्लाह काफर मानती बस इतनी सी बात सिंपल जो मानेंगे आगे चले जाएंगे जो नहीं मानेंगे वो उनकी आपकी देखिए सोच को बदली नहीं कर सकते जब तक ठग जिंदा है ना लालची ने भूखा नहीं मरना लालच खत्म लालची ठग ने भूखा नहीं मरना बिल्कुल सही बात है लाला जो भी है ना वो उसी वक्त ठगों की पूरी होनी है ना कि जब आप एक परिंदे के पीछे पड़ जाएंगे मुझे ये चाहिए तो वो फिर वो उसकी डिमांड बढ़ाता जाए सिर्फ सिंपल बात है और कुछ भी नहीं है बाकी पीछे पढ़ना ना पढ़ना ये कोई मायने नहीं रखता अगर आप आपने अपना बेस्ट करना है अगर आप लोगों की परवाह करेंगे फिर आप नहीं शोर कर सकते आप ही अपना रास्ता पकड़ा हुआ उसके ऊपर पता नहीं कितनी चीजें बोकरी होती हैं वो कभी हाथी रुका है ये उसने मुड़ के देखा है कि
कौन कौन पीछे से आवाजें दे रहा है, उसने अपना रास्ता पकड़ा रखकर पकड़ी हुई है। तो जगह आपने अच्छाई करने की सोची है ना, तो उसके लिए फिर तकलीफें तो है। सही बात है, तकलीफें तो आएंगी, आसान हो जाएंगी, तकलीफें भी आसान हो जाएंगी, नियत अच्छी हो, अमल अच्छा हो, लगना सर। देखिए ना, शोर आ रहा है अभी लोगों में माशाल्लाह, जो अच्छे लोग भाई पॉइंट दे रहे हैं दूसरों के, लोगों के ऊपर अमल कर रहे हैं, बालों वालों से बजान निकल रही है काफ़ी, अब उड़ने वाले और अच्छे ब्रेजे की तरफ आ गए। ये हमारी शौक की बेहतरी है, कोई भी बंदा जो कबूतर बेच रहा है, क्या वो आपको घर से हाथ पकड़ के लेकर आया कि मेरे से कबूतर खरीदो? खुद लालच में गए, खुद ही गए ना। मैंने आज तक किसी बंदे को गाली नहीं पकी, और ना मैंने कभी किसी की मान के, वो बैठा हुआ यूसुफ मदान पूछ ले, ना उसके मान से कभी कबूतर लिया, अपनी समझ से लिया, वो अच्छा है। कई कबूतरों ने मुझे कमेंट किए कि इससे भी ज्यादा अच्छे है, तो मतलब मुझे यही चाहिए। अच्छा वाला तुम रखो ना, मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दो। कबूतर आप परचेज करके किसी से लेकर आते हैं, बाद में उसको माँ और बहन और पता नहीं कौन कौन से उसके खानदान को बोलते हैं, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? जब तुम उसके घर से लेने गए थे तो खुद देख के ले लेना था, अंधे थे, उसे मिट्टी डाली थी तुम्हारी आंख में, मिट्टी डाल दी थी, खरीदा है ना, खरीदा खुद जाकर, ना पैसे देकर खरीद के लाए तो संभालो। हाँ जी, तो सर अगर आप में अच्छी कबूतरबाजी है, समझते हो तो जाकर खुद समझ के ले लो, जरूर तुम उसको माँ बहन की बाद में गालियाँ निकाली, तो मुझे गंदा दे दिया, मुझे ये कर दिया, आपने भी ये बातें हजारों के मुँह से सुनी हो, मैंने भी ये सुनी, मैंने कभी नहीं किसी को भी गिला की है। अपनी सोच समझ से जाकर लेके आए तो बुरा तो क्यों कह रहे हो, अपनी समझ को बुरा करो। सर देखिए ना, बात तो यही है सर, फिर पता नहीं कौन कौन से दावे करने शुरू करते थे, कौन कौन सी कसमें उठवाने शुरू करते थे, और खुदा के बंदे हो कबूतर हैं, इनको कबूतरों तक ही रहने दो। बाबा जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जिन लोगों ने जिनकी स्टडी है दीन पे, कुरान पे, मामलात पे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से परिंदों के सब एक एक जोड़े कलेक्शन हुई, वजात से लोगों को बताएं ताकि उनकी काफ़ी लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर बहुत दफ़ा बता दी हुई है बात मेरी, आप शायद अगर आपने मेरी काफ़ी सारी मूवीज देखी हो तो उसमें मैंने सारी वजात बताई है कि भैया हर चीज़ देखे जोड़ी की औलाद है, बेशक ना दो हम जो थे अपना जो हमारा खालिक मालिक है जो हमारी किताब है उसके हम मुनकर हो जाएंगे तो हम काफिर हो जाएंगे, ना तो बिल्ला हम तो उस बात को अलग कर ही नहीं सकते, नहीं करते। तो जब हमारे रब का जो हुक्म है जो रब ने कहा है वही आखिरी है, लफ मेरे लिए तो वही है, लोगों के लिए हो सकता है यही बात है, ईमान वाले के लिए यही है। पर आप ये देखिए ना कि अगर इंसानों की बात ले लें, ठीक है ना जी, महाजर और तरह की है, पठान और तरह की है, सिंधी और तरह की है, और नस्लें बन गई ना, बिल्कुल जीन डेवेल्प हो गया, ठीक है जी, अपना हर थर्ड जनरेशन के बाद एक नया जींस बन जाता है, किताबें भरी पड़ी है, लिखा हुआ सारा कुछ, अब अगर कोई पढ़े उसको समझे तो फिर की बात है, फिर अपना प्रोफेसर बहुत ज्यादा आ जाती, जिनको फैमिल दूसरी दफा साला नहीं ना मिलता, वो भी एक आगे छुटनी छोड़ जाता फेसबुक पे बैठ, जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है, वो अपना वो बढ़ा के हमारे पे निकाल लेता है, हम भी खुश हो जाते चलो यार ये तो राजी तो हुआ, ये तो राजी हुआ, किसी को खुश करना भी मानी रखते रान हो रही है, रान सुन रही,
देख रहे हो थोड़ा ज्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं, जो भी है ओपन करो, हां जी बात करो, इजी होके करें आप। माफी चाहने वालों के लिए अल्लाह इज्जत दे, आपको बच्चों को क्या देखना नसीब करे। कोशिश तो बेस्ट की करते हैं अपना बेस्ट विदा रखने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मार को खा जाते हैं। माशाल्लाह आपकी जो सोच समझ परख है वो किसी ढकी छुपी भी नहीं है। सर देखिए बात ये है, कंटिन्यू अलहमदुल्ला चार साल से रिजल्ट के अंदर है हम लोग, ठीक है जी। पिछले साल के हम चैंपियन है, इस साल के हम रनर अप है। तीन कबूतर ना बैठने की वजह से और चंद घंटों की लीड से हम सेकेंड हुए, उससे पिछले साल के हमने दूसरी छत हमारी उधर से चैंपियन, उससे पहले हम ये वर्षा वाली छत से चैंपियन। ये दुबई का कबूतर है या यूएई का कबूतर? अमारात का कबूतर, पूरा अमारात, अमारात पूरा अमारात। दुबई का तो किंग रोदा वाला भी तो इस दफा भी हम चैंपियन, वो चैंपियन थे इस दफा के भी हम चैंपियन है किंग रोदा में। दुबई में तो है दुबई शारजा, ये दो कप बनता है दरअसल जी, एक दुबई शारजा अजमान सही है और एक इमारात, इमारात शामिल समझो जो भी है अलैन अबू धाबी जो शामिल है वो शामिल, जो शामिल नहीं है वो शामिल नहीं, बस यूएई का मतलब पूरा यूएई का कोई भी आ जाओ। हाँ बड़ी बात है, रनर अप टीम के साथ चैंपियन में किस में देखिए जी, प्लेयर तो तभी पता लगेगी ना जब हम फाइट में रहेंगे, फाइट में पीछे चलेंगे तो क्या किधर के। हां ये अच्छा कबूतर मैदान में ना हो तो फिर मजा नहीं है ना, मैदान में रहेगी शो कर रहे बड़ी बात है। जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो ना उस्ताद जी, जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो खूबसूरतियों में और इन चीजों में, जितने मर्जी पीछे से ब्लड अच्छे का आया हो, इधर उसने काम भी ना किया तो वो अगले दिन ही अल्लाह की रहमत ही। और इन दोनों भाइयों में एक खास और बात है, जो परिंदा आएगा पहले उसको उसी की खून में लगा के उड़ाते हैं। अच्छा। भाई तुमने कितना एक अच्छा कबूतर, हम लोगों के कबूतरों के मुकाबले में आ रहे हो कि नहीं? अगर आ रहे हो तो तुम्हें आगे करेंगे वरना पीछे चलो छुट्टी करेंगे। आप समझ लें कोई सवाल ही पैदा, असल इन्होंने देख के पहले तो अपने खून में ब्लड लाइन में वो परिंदा उड़ के दिखाए, उसके बाद उसको देखेंगे इसकी सोच है। ये उन बना भी इसीलिए इतना अच्छा है कि उन्होंने ऊपर पहले काम किया उसके बाद नीचे क्रॉस में आए। ये साजी हर बंदा कहता है ब्लड लाइन ब्लड लाइन ब्लड लाइन, हम भी मानते हैं ब्लड लाइन, कोई ये नहीं। हम अब कभी गधा तो नहीं रेस क्लब में गया भागने के लिए घोड़ों के साथ, घोड़े भागते हैं ना, तो हम खुद मानते हैं ब्लड लाइन। लेकिन ब्लड लाइन के साथ अगर कोई टीचर है कोई उसके अंदर वो पॉइंट्स वगैरह वो उसके जो उसका परिंदा उड़ता है वो उसको आखिरकार कुछ देखता है बिल्कुल, तो जो उसमें वो जजमेंट करता है आप भी वही बात करते हो, मैं भी वही बात करता हूँ, आप भी वही पॉइंट बताते हैं। मैंने देखी है आपकी बहुत सारी मूवीज मैंने देखी है, और मैं शायद कोई ऐसा कोई प्लेयर होगा जिसको मैंने सुना ना हो, सुनता हूँ अगर कोई अच्छी बात मिलती है तो फिर जाके चेक करते हैं बकायदा अपने कुटे में कि हमारे ये बात उस्ताद ने की है, हमारे कबूतरों में मैच हो रही है, अगर मैच कर रही है तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, और अगर नहीं मैच हुई तो फिर हम उस बात को स्टॉप कर देते हैं। देखते हैं सबको अगर मैं आपके पास बार बार आ रहा हूँ आपके वर्ड देखता हूँ आपके पास बैठता हूँ आपके साथ गुफ्तगो शनास करता हूँ तो कभी ना कभी तो आपके दिल में भी रहम आएगा ना कि ये कबूतर लेने नहीं आता मेरे लिए आता है। तो इनमें से ये जितने में मसूफ है ये तो सारे कबूतर लेने जाते थे, इलम लेने तो कोई गया नहीं, जो इलम लेने गया उनको इलम भी मिला, सारे मसूफ तो कबूतर लेने गए कि उन्हें फलानी नस्ल बनाती है, चलो अंधा हूं जोड़ा खींच लो फलाना जोड़ा खींच लो, जोड़े खींचने गए
उन्होंने कहा ठीक है पुत्र फिर ले जो हारा नहीं तो एक नवा ही लगेगा ला जो खा बात असल ये है ना इल्म लेना जो है वो कबूतर लेना चीज़ दोनों एक ही मालिक के पास है जो आपको लेना है वो ले लो अब अगर आपने कबूतर उठा लिए वहाँ से इल्म नहीं मिला भी हम देखते हैं काफ़ी सारी वीडियोस लोगों की ना जी यूट्यूब फेसबुक चैनल पे वो बात बता रहे होते हैं जो कबूतरबाजी में जिसका ताल्लुक ही नहीं होता मिसकॉन्सेप्ट देते हैं कुंदे का पर का आँख का उसकी हरकतों का बस बोलना है खाली अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो आगे सुनने वाले जो न्यू जनरेशन है वो उसको सच समझ के उसमें यकीन करता है और अपना वक्त बर्बाद कर देता है। सर वो मैंने आपको पहले बात बता दी ना कि लालचियों को देखना चाहिए कि आगे से ठग तो नहीं है कबूतर बेचने वाली दड़बी तो नहीं है कबूतर बेचना कोई गुनाह तो नहीं है हलाल परिंदे की तिजारत भी हलाल है दीन के हिसाब से बेशक हराम जानवर की तिजारत भी हराम मना फरमाया गया ना कुत्ता फरोख नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा सबसे पहला तो कुत्ता लवर नहीं था ना ही बेच रहा होता रख रहा होता ठीक है जी मना अब जिस चीज की दीन ने ममानकत नहीं दी हलाल परिंदा खा भी सकते हैं आप बिल्कुल इसकी तजारत भी हलाल है बिल्कुल मेन चीज हमारी ये है कि आप ये देखें कि जो बंदा आपको फेसबुक पे कोई पॉइंट बता रहा है कोई कबूतर बता रहा है जरा उसके घर में जाकर देखो तो सही सारे उसी पॉइंट के कबूतर है अगर तो है तो फिर तो बंदा सच्चा है अगर मैं कहता हूँ जी जोड़ बंद होना चाहिए जी मुलायम होना चाहिए हड्डी जोड़ का फिक्र ऐसा होना चाहिए दुम ऐसी होना चाहिए पर ऐसा होना चाहिए तो आ जाए ना मेरे घर मैंने खुद बनाया कि नहीं बनाया कि भाई अगर मैंने इतने लक्के की तरह दुम खुलेगा इतने जोड़ खुलेगा इतना बड़ा कबूतर रखा हुआ तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि कोई कबूतर पकड़ो उसको बोलो भाई जान ये तो बताओ ना जरा ये क्या है लाठवी दुआ बड़ी कर रहे थे सही बात है बड़ी फिलासफी जा रहे थे फेसबुक पे बैठ के या यूट्यूब में बैठ के ये क्या रखा हुआ आपने इसका तो जरा बता दो वहां पे बोला क्या कहेंगे पापा जी ब्लड बड़े वड्डे दा तो पाए ना मैं भी तो तुम कह रही थी कि जो मैंने घर में रखा हुआ है इसका खानदान बहुत अच्छा है अगर इसकी दुम खुली है इसका जोड़ खराब है तो इसके बच्चे आगे से उसके बच्चे बहुत काम कर रहे हैं वो बंद हो जाते हैं मेकिंग करके यानी मेरे जो घर में था वो कुत्ते का बच्चा था और आपके घर में जो था वो शनछाह का बच्चा था कि उसकी दुम खुली है उसके जोड़ खुले हैं उसका पर खुला है उसका साइज बड़ा है तो वो परफेक्ट है बच्चे उड़ाने में परफेक्ट है जी और अगर वो मेरे घर में तो गंदा है मेरे घर में आप कबूतर फेल कर रहे हो उन पॉइंटों पर जबकि आपने उन पॉइंटों पर अपने घर में कबूतर रखा हुआ है वजह बता दो क्यों रखा हुआ है ये ब्लड लाइन बहुत बड़ी है तो भाई ने यही तो बकवास मैं भी कर रहा था कि मेरे वाले की भी बहुत बड़ी ब्लड लाइन है उधर क्यों नहीं माने माननी चाहिए वो बात अक्सर शौकीन ये भी देखते हैं ना कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जिस शौकीन की हम बात सुन रहे हैं बेशक वो आमने सामने बैठ के ही बात कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो अगर एक बंदा कहता है सर ऐसा हो पर ऐसा हो नुस्खे में ये देना है बाजी वाले का खुराक ये देनी है फलान देनी ये देनी है तो उसने कितने टूर्नामेंट लाए देखिए आप यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह यूसुफ नाम लेंगे छत पर एक रिकॉर्ड है छत का अब यहाँ इनके मुँह से निकली हुई जो बात है ना वो यकीनन सच साबित होगी उसकी वजह है कि अपने कबूतर उड़ा के दिखाया जाए एक बंदे इसने अपने कबूतर कभी ज़िंदगी में ना उड़ाए हो और शागिर्दों की लाइन लगा के बैठा हुआ हो कि जी मोड़ ऐसे बनाया जाता है गोड़ ऐसे बनाया जाता है मेडिसिन यूँ बनाई जाती है ऐसे लोगों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक खुद से ना हो सर इसमें भी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आप उस बात को एग्री कर देंगे ठीक है जी नाम और छतों पे इतने फाजा ग्राम है क्या ये खुद कबूतर उड़ा रहे हैं छत पे चढ़ के बिल्कुल सो ये बात आपने बड़ी सीखी कि उनके मोहब्बत उड़ा रहे हैं मोहब्बत उड़ा रहे हैं नाम किसका है नाम उस्ताद का उस्ताद का उस्ताद साहब को कबूतर पकड़ना नहीं आता सही बात है नाम तो उनका बड़ी पॉइंट वाली बात सर अब दुनिया को पता है क्योंकि मैं ओन एयर कहता हूँ मैं नहीं उड़ाता तो भी सकते हैं ठीक है जी मैं नहीं उड़ाता ठीक है ना जी वो बता सकता है कि मुझे उड़ाने आते हैं या नहीं आते क्योंकि जिनके साथ मैं तीसरे साल से मर रहा हूँ आपका रिकॉर्ड है माशाल्लाह सर मैं तीसरे साल से उनके साथ मर रहा हूँ ना वही बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं जब 11 रात को कबूतर निकाल लिए ना तो यूसुफ भी उधर बैठा हुआ है मैं भी बैठा हुआ हूँ सलमान भी बैठा हुआ है
ठीक है जी, अहमद भी बैठा हुआ है, कल रमदान भी बैठा हुआ, हम सारे इकट्ठे बैठे हुए। ये तो कह रहा है ये वाला कबूतर, बोले यार ये वाला इसमें डाउट है, इस पे डाउट है हम लोगों को कबूतर के ना, कोई दूसरी ऑप्शन बोले इसकी ये ऑप्शन। यार यूसुफ ही रहा सारा कुछ, हम लोग सिर्फ मुशावरे में है सारे, फिर तुम ये आ रहे हैं मर रहे हैं कबूतरों को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं गसेज वाली छत में बैठा हुआ खालिद भाई के साथ, इधर सलमान और जो है अपना यूसुफ बैठे, तीसरे साल पूरी यू ही को पता है, मैं उधर ही बैठता हूँ। ठीक है जी, मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता कि कौन बंदा कौन सी पार्टी से अलग रखता है, मेरे लिए तो बरादरी है मेरी कबूतर पर, तो ना मैं कबूतर बेचता ना छत पे चढ़ उड़ाता, तो ना मेरा कोई दुश्मन ना मैं किसी को दुश्मन, जैसे मेरी अपनी बाजियां लगी है। ठीक है जी, तो तीर तो नहीं उन्होंने मुझे मार दिया, तो तलवार तो नहीं मार दी, चौकी बात कर रहे हैं। सही बात है, सही बात, रखे हैं कबूतर या तो बेरी ना लगाओ, बेरे लगाओगे पत्थर तो पड़ने, वो बोलते लाहौर में आग उड़ा के दिखाओ। सिर्फ उनके साथ मैंने इतनी बात की थी, मैं कहा यार सिर्फ आप ये बता दें, अगर तो मैंने ये घर में से कबूतर उड़ा रहा हूँ तो मैं आपके साथ बाजी लगाता हूँ, पहली बार मैं खुद इधर मौजूद नहीं, ठीक है जी, मैं दुबई में हूँ, अब मैं पूरा अपना बिजनेस सारा कारोबार छोड़ के दुबई का आप लोगों की चार पांच को मनवाने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। कायनात का खालिक मालिक है, काफर उसको नहीं माने कि उसने कायनात बनाई है, तो मुझे तुम्हें क्या मानेंगे जी, सही है ना सर, बिल्कुल। तो मैंने क्या मनवा के किसी को करना है, और इनको मैं मनवा के ना कौन मुझे सोने के तमगे दे देने। सर मैं ना मानू, अगर इनसे बाजी जीत भी गए तभी नहीं उन्होंने माना, ना गया तो क्या दबाऊंगी, फिर क्या कर लोगे उधर, क्या कर लोगे, आपकी छत होगी वो, तो आपके नाम से होगी आपका शौक है। सर मेरे उस्ताद ने कह दिया ना कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जहां से भी बाबा सिकंदर को बता वहां देगा मैं उसको छत दूंगा, और मुझे जो इलम आता होगा मैं बाबे को सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी बाबे को, बाबा मेरी शिकंदी में, और वो भी उस्ताद भी मेरे अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो इस पंगे में कूदे इसलिए कि जो आगे हाथ था ना जी उनको बताया जाए कि यार अगर कोई बंदा शरीफ आदमी अगर कबूतरबाजी के शौक के अंदर है तो उसको सही मायने से सही तरीके से उसको करने देना चाहिए, पंगे नहीं लेने चाहिए उसके। अब भागते हैं, कभी कहते हैं जेठ की बाजी लगा लो, कभी कहते हैं फलानी लगा लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, सर आप देखे मेरे उस्ताद का ग्रेड पुना, एक बंदे ने कहा जी मैं 7 बजे का टाइम, उसको कहा तेरे साथ 8 का हो गया, दूसरे ने कहा जी मेरे साथ 8 का टाइम, उसको कहा तेरे साथ 8 का हो गया, एक ने कहा जी मैंने जो था अपना जो अपने के चार परफॉर्मे लगी मैंने चारों परफॉर्मेंस नहीं मैंने लगाने, मेरे तेरा जेट उड़ाना, तो बोले तेरे जेट की होगी, और से बड़ी और क्या ऑप्शन होगी किसी के लिए, ओपन ओपन दे दिया हर किसी को, हालांकि मैं भी चुप करके मेरे उस्ताद है बाजियां लगा रहे, मैं भी चुप करके बैठा हुआ था, एक से 8 का टाइम है मेरे से 1-7 का टाइम, उन्हें कहा जैसे तुम्हें मंजूर जैसे, ये यहां तक उन्होंने छूट दे दी थी, अगर तुम दिन की 2 बजे तक भी आवाज देते हो 2 बजे तक उड़ा लो, 2 बजे तक की भी बाजी बड़ी बात है, ऐसी छूटे देखने से बाजी लगाई, तो कोई बात यही है, पहले बोल रहे जी बाबे सिकंदर को हमने परखना है देखना है उड़ाना है, तो फिर हौसला भी बड़ा रखो, सारे सीजन उड़ाओ ना, जरा पता तो लगे ना तुम्हारा, कोई किसी तरीके से बाजी कहता है कोई किसी तरीके से कहता है, नहीं नहीं ऐसे जो बंदा हर ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे बंदे को बगैर लड़ाई मान लेना चाहिए, ये जो मानते हैं आपने इतने लोगों से इस कंडीशन पे लगाई है, मान के बात ही खत्म हो गई, अजीब बात है, बात वही निकलनी है देख लेना, ना मानने वाली अभी से वो कह रहे हैं, अभी से वो जिधर बैठ रहे हैं जिधर पंचायतें कर रही है वो, तो बातें तो अभी आप इधर 10 बातें करेंगे तो 9 बातें बाहर चली जाएंगी, चली जाएंगी कबूतरबाजों में जो थी एक अच्छी खासियत पाई जाती है, हाँ जल्दी बाल को आगे डिलीवर कर, जल्दी डिलीवर हो जाएगी ना बाल, ठीक है ना जी, अभी आप उठ के बाहर निकलेंगे तो हमने आपके ऊपर चर्चे करने शुरू कर दे, जो चार बैठे बैठे साथ आए थे बड़े आज वाली बात नहीं जाए, नाम बुरा दो अगर तुम्हें कोई तकलीफ है हमसे
सर देखिए ना, आप एक कबूतर पकड़ के लेकर आ रहे हैं उड्डे में निकाल के, बाबा जी इतनी परवाजे उड़ा, इसके बच्चे अच्छे उड़े, बाबा जी भी कर रहे हैं, वाह 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 वाह, जी 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 जी, बाबा ने क्या देखा आपने, तो खाने खिलाने के लिए घर में बुलाया था। सर अपना मुंह चुप करके फिर कबूतर ला के मेरा, बाबा जी बड़ी यूट्यूब में जो थी तकरीरें करते हो ना, जरा ये पकड़ो कबूतर देखो जरा क्या है। हाँ बाबा बोले ना जरा, उन्होंने बताया कि ये कैसा हर कोई आ रहा है, आंखें मरोड़ रहा है, पर खोल रहा है, पर बंद कर रहा है, जोड़ों में उंगलियां घुसा रहा है, तो चार साल पांच साल के बच्चे को आपने वो भी कर लेंगे, ये नर बच्चे निकालता है, मादी बच्चे निकालता है, किस तरह के बच्चे निकालता है, क्या परवाजें होंगी, ये जोड़ा ठीक भी लगा कि नहीं लगा, खुद उड़ा है, नहीं उड़ा, उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, तो बताए तो सही ना, बताना कहाँ था गंडा भी, बाबा खाली बाबा। अच्छा जो बंदे कहते हैं जी बाबा सिकंदर जो था जी सिर्फ यूट्यूबर है ना, वो उल्लू वो तुम कुछ बता दो फिर, यूट्यूबर ने और बन जाए दूसरे आ जाए, ये ना हमारे ना बिल्कुल सामने ना घर था वो, जैसे मान लेके हम घर होते वो ना सब्जी बेचते, तो हमारे ना बिल्कुल साथ वाले घर में जो था ना वो अपना हिंदुस्तानी थे, खादू थे, उन्होंने सुबह सुबह को ना बाहर निकलना ना, वो कभी फूं फूं करते इधर को जाना, कभी फूं फूं करते इधर को जाना, अब वो खालू से कभी पूछ लेना ना उल्लू के पट्टे और ये वो, उन्होंने उनको बोल रहे हो ना, खालू क्या हुआ क्यों गुस्सा कर रहे हो, बोला कुछ इन्होंने, बोला नहीं ये देख मोटे, मुझे बोलते थे मोटा, सेहतमंद था अल्हम्दुलिल्लाह, मोटे देख आलू उधर लगाए हैं, अगर ये खबीस का बच्चा आलू उधर लगाता और प्याज इधर रखता अच्छी ना लगती, इसको बोलते खाम खा वाले ना, रेडी उसकी सब्जी उसकी, खालू साहब उसकी प्याज और आलू सीधे करवा रहे हैं, ये वो खालू है, हमारी सब सीधी करवा रहे हैं, और खुद बेशक कभी जिंदगी में नमाज ना पड़ी हो, बाबा फिर उन्होंने वजदा छुरिया को छुरा वजदा बाबे सामने, सर देखे मुझे कबूतरबाजी आती है नहीं आती, मैंने कभी अपनी जुबान को ही बोली क्यों, जो सबका चैंपियन कबूतर होता है मैं पकड़ के आके वही दिखा देता हूँ, भाई ये चैंपियन हुआ है, इसका जोड़ ऐसा है, हड्डी ऐसी है, पर ऐसा है, आंख ऐसी है, चेक कर लो ये इसका माँ बाप है, मैंने कभी अपने घर में देखा जी ये चैंपियन है मेरे पास और ये ऐसा है वैसा है लान है फलान है, मैंने तो कभी नहीं ऐसी बात की, एक साल बाद एक साल इंतजार किया, पिछले साल मूवी बनाई यूसुफ की, एक साल बाद दोबारा मूवी बनाई यूसुफ की, कोई मूवी नहीं बनाई, शेयर करना शेयर चलिए आप कंटिन्यू करें, सॉरी मैं जरा नमाज पढ़ लूं, ये सारे चेयरमैन साहब की तरफ से आए, अभी यहाँ पहले गए, पहले से आए मतलब बाबर साहब और चेयरमैन साहब की तरफ से, जो बड़े वो दोनों दिखाए थे ना वो ब्लैक वाले माशाल्लाह, यूसुफ भी आपके कबूतर हमें पसंद आए माशाल्लाह, जो हमारा अपना घर इतना कबूतर देखा माशाल्लाह, वो आउट क्लास कबूतर है, अल्लाह पाक नसीब करे, और बाकी ये कबूतर अगर चैंपियन बनते हैं तो कबूतर है, बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर।
हम भी काफी फील हुई थी कल सर जी के स्पोर्ट में, बात उनको बहुत फील हुई थी। अल्लाह कोई सुनिए यूसुफ जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि सच जो है ना वो बता दें, अगर एक चीज़ पता है तो दूसरे शौकीन को लाजमी बताना चाहिए, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी, नया लोग नहीं आ रहा है शौक में, नहीं 15 साल 12 साल के बच्चे उसको पसंद नहीं आएगा। और जो बंदा बचपन से शौक में आएगा ना छोटी उम्र में, वो शौकीन बनेगा, जवान हो के 25 साल 30 साल की उम्र में जो आएगा वो शौकीन नहीं बनेगा। अब आप कितना हंसोगे शौक में, 20 तक आ जाएगा, 20 साल गुजर गया यानी बस शौक के अंदर आ गया घुस गया, तकरीबन 15 का ऊपर 20 तक, मतलब एक बचपन से शौक है। हाँ बचपन से हमारा बाप बस ऐसा है खाना देना, बस हम लोग शौकीन ही बन चुका घर पे, यदि पैदा हुए घर पे शौक था कबूतर से, आज ही वजह है कि आप यूएई में भी चैंपियन बन रहे हैं। एक बंदा 25-30 साल का उसका बिजनेस सेट हो, कारोबार सेट हो, सोचे यार चलो कबूतरबाजी करते हैं, पिंजरा बना लो ये बना लो ना, तो मजीद 25-30 साल में शायद मर जाएगा, वो चैंपियन नहीं बनेगा, पैसा देगा लोगों को हायर करेगा, लेकिन अचानक उसका शौक खत्म हो जाएगा, घटा होनी चाहिए। ये शौक बचपन से होता है जो अपने दिल से लगा के रखता है, मेहनत भी चाहिए, मेहनत अभी करेगा जब शौक होगा, खर्चा भी खर्चा उसको बहुत है, अभी कबूतरबाजी जो है ना वो पैसे के रह गए, जिसका पैसा है उसकी कबूतरबाजी, दाना इतना एक्सपेंसिव हो गया पाकिस्तान में, तो हम 2 साल गया पाकिस्तान हमारा साथ का पास अली सुंदर का शौक करा, मैंने शौक करा माशाल्लाह का भी शौक है ना, अब जब गया उधर हमारे लिए बहुत इजाफा हो इलम से, देखो इलम से ख़त्म नहीं होता, हम अभी तकरीबन 40 तक करीब है, हम बोलते हैं जब तक मरेगा ये कबूतर बाज ख़त्म नहीं हो जाएगा, आगे से नहीं यहाँ जो भी है शौक में हम कर रहा और हमारा भाई का साथ जो हम मेंटेन कर रहे हैं, हम और भाई का साथ, भाई का पास भी तकरीबन उधर भी 80 तीनों भाई हैं, शेख ब्रदर ये देखा, शेख ब्रदर राजा का तरफ शेख ब्रदर देखा होगा फेसबुक में, ये हम तीनों भाई तीनों इकट्ठे शौक करते हैं जरूरत नहीं है, लेकिन एक मिसाल लोग अक्सर बच्चे देते हैं ना, तो ये फिर भी घर वापस आएगा। अली एक कबूतर का शौक करा, इधर सास बोलता रहे जी आप बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं सब बोलेगा नहीं, चलो आज यूएई के नायाब कबूतर दिखा रहे हैं इनको, अपने पास शेयर करते रहो वीडियो को साथ साथ शेयर करें ही वीडियो को शेयर ना अड्डा चला कर निकाले, ये देखिए ये फर्ज हां देखा ये मैंने देखा डॉक्टर साहब टैडिंग खाओ तो बड़ी टैडिंग देखना है, जिस मर्जी घर जाओ 100 जोड़ा टैडी मैदान छुटेगा कि टैडी लगे मेरी जान फिर उठने टैडी है लेकिन
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਫਰਦ ਨਾ ਕਰ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਬਰੀਡ ਵਧੀ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 30-40% ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਓ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ਿਗਿਰਦ ਹੈ, ਦੁਪਾਲਟੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਦੇਈਦੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ 2-2 ਕਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਟੇ ਜੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ 2-2 ਕਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਛੁੱਟਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿਰਾਗ ਥੱਲੇ ਨੇ ਰੇਲੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਟ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਸਾ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਬੋਲਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਚਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾ 4 ਤੱਕ 7 ਤੱਕ ਸਾਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਬੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਰੋਡ ਫੋਰ ਥੋੜਾ ਸੋ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਯੂਸਫ ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਬ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਅਭੀ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸੁਬਹ ਪਲਟਾਨੇ ਹੈ ਤੋ ਸੁਬਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਸੁਬਹ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ 2-3 ਦਫਾ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ 10:30 ਵਜੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ 11-12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਤਾ ਬੋਲਾ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਰਹਾ ਥਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਵਾ ਕਬੂਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੋਰੀ ਮੁਝੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਵਾਕਈ ਉਸਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਦੇਖਾ ਤੁਮਨੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਉਤਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲਟੇਗੇ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਗਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਸਾਥ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕੋਗੇ ਅਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਨ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਫੜਕੇ ਮਾਰ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਬਲੀਵ ਕਰੇਂਗੇ 10:30-11 ਵਜੇ ਇਸਕੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ 4-5 ਫਿਰਦੇ ਯੂਸਫ ਨੇ 2-3 ਫਿਰਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਮ ਲੋਕੋ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਤੋਂ ਸੀ 2-3 देखे तुमने इमामत करवानी है झूठों की तुमने झूठों की इमामत करवानी है बाबा हमारा दुकान बंद हो गया हमारा सारा कबूतर बैठ गया 2 कबूतर हमारा सिर्फ ऊपर है ठीक है जी तुम बोला 40 ऊपर है ਖੁਦਾ ਕਾ ਖੋਫ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਝੂਠ ਬੋਲੋ 4 ਵਜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਹੀਂ 2 ਵਜੇ ਕੱਟ 2 ਵਜੇ ਕੱਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀ 2 ਵਜੇ ਕੱਟ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੋ ਜੋ ਥਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-3 ਵਜੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਥਾ 9-10 ਕਬੂਤਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਭੀ ਤਾਜ਼ੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਉਚਾਈ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਥਾ ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬ ਯੂਸਫ ਇੱਧਰ ਪਾਗਲੋ ਕਿਧਰ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਛਾਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਬ ਛਾਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ
ये परेशानी बोला उस्ताद जी दुआ करो कबूतर निकले मौसम मालू है मौसम मालू है बोला बेटा बंद हो गया तुम्हारा दुकान छुट्टी करो। तकरीबन कोई 4:30 बजे कबूतर निकलने शुरू हुए 18-19 कबूतर 7:30 बजे तक ऐसे बाकी जो 6-7 कबूतर थे वो भी निकले थे धक्के खा रहे थे रात के अंधेरे के में लगे आखिरी कबूतर हमारा 7:30 बजे बैठा। मैंने कहा यार देखो भाई बात रही नसीब की अगर कबूतर इसी हिसाब से कबूतर हम लोग जुड़े ना तो इंशाल्लाह इस साल के हम लोग चैंपियन हैं और अल्लाह पाक ने इज्जत दी इसी साल के हम लोग चैंपियन बने पिछले साल के। तो बात सारी आपको पता है सारी आप उड़ाते हैं अगर कबूतर गाड़ी या फरारी ले लेंगे उसमें गधे नडी का जो उनका ड्राइवर बैठा देंगे तो उसमें उसके एक्सीडेंट ही करना है। तो एक्सीडेंट हो रहा था पहले देखो साहब एक्सीडेंट कर रहे थे बाद में उस्ताद हो रही आगे वो ड्राइवर थी उन्होंने कबूतर को ठीक किया फिर हम उड़ा के दिखाई जो लेना देना करना वो भी अच्छा जरूरी है बहुत जरूरी है करना ये पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मेरी छत पर बाबा सिकंदर ने ये 11 गोलियां दी है मेरे छक्का मार दिया कोई सेम गोली यहाँ पर या सेम गोली यहाँ पर नहीं दी जा सकती उन कबूतरों के हिसाब से लेना देना करना। उस्ताद जी यहाँ पर शिकर से भला क्या कहते हैं अब ये लड्डू खिलाओ 1 घंटे बाद हमें उस्ताद बनाओ और 3 घंटे में हमें कारीगर बना दो सारे उसका सिखा दो। हाँ जी नहीं सीख सकता रॉयल्टी मैं कहता हूँ 1 महीने 2 महीने साल में भी नहीं सीख सकता कबूतरबाजी बहुत बारीक काम है। अभी बहुत सारे लोगों का जो था मेरे साथ इस बात पर नाराजगी भी बनती है कि जी हमें बताओ ये जोड़ा कैसे 2 नर 2 मादियाँ निकालते हैं। बोला यार आप बर्ड में रखो थोड़ा तुम्हें टाइम एक्सपेंड करो इंशाल्लाह आपको बात पता चल जाएगी। बोला नहीं नहीं तुम बताओ अभी बताओ ताजी आप मुझे एक बात बताएं सियालकोटी कबूतर और कसूरी कबूतर में क्या फर्क नहीं है क्या उनके जो जितने पॉइंट्स हम कबूतरों में देखते हैं क्या उनके सेम है फर्क होता है नस्लों का थोड़ा डिफरेंस तो होगा होगा जैसे कि पाकिस्तानी शक्ल और है गोरे की और अफ्रीकी की और है सब इंसान है तो सारे एक ही जोड़ से बने हैं ना मुआफ़त अलग अलग होगी जींस अलग अलग होगी बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि कसूरी का भी बता दे सियालकोटी का भी बता दे और जो था अपना फिरोजपुरी का भी उस्ताद जी देखिए जी अगर आप लो फ्लैट में चले जिसमें 2-3-4 मखसूस मिल रहे हैं ठीक है जी उन्हीं को आगे पीछे किया जा रहा है ठीक है जी रेसल में चले जाए उसमें भी 2-4 मखसूस नस्लें हैं इधर तो आप अपने शिकिर्द को अभी कबूतर दो अगले दिन उसने एक लट्ठी से उसको ठोका होता है एक नए खून बना के बैठा हुआ हर घर में 200 किस्म के कबूतर पड़े हुए अब कौन कौन से कहां कहां से जाके निकालोगे एक ही नंबर के ना 15 घरों में आप कबूतर देख ले 15 के डिफरेंस हो बिल्कुल। अब फिर हम किसको बोले किसको हम सही बोले किसको गलत बोले एक ही जोड़े के आप 6 बच्चे एक शागिर्द को दे दें 6 दूसरे को दे दें 2-3 साल बाद देखेंगे वो चेंजिंग आ जाएगी। अब लेकिन उसमें अक्सर लोग कहते हैं जी ये जब एक ही नस्ल है तो फिर उसमें चेंजेस क्यों आया साइज में उनकी कान कुंदे में हर एक चीज़ में फर्क आता है थोड़ा बहुत। बात ये कि उसके घर पर रख रखाव कैसा था कबूतरबाजी में डाइट क्या दे रहे थे कैजिस किस टाइल के बने थे धूप की क्या आमदोरफ थी वहाँ पर कितना टाइम वो उनको दे रहा है पानी धो रहा है नहीं मतलब बर्तन धो के दे रहा है गंदे में दे रहा है बड़ा फ़र्क आता है बच्चे के ऊपर हर एक चीज़ का। ये चीज़ें उस्ताद लोग नहीं सिखाते या लोग सीखना चाहते नहीं इन चीज़ों को। अब मुझे बताएं एक जोड़ा मेरे घर पे उसके बच्चे निकले माशाल्लाह शाम कर रहे हैं बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं दोबारा निकले वो भी शाम कर रहे हैं उसके बाद बच्चा निकल रहा है वो घंटा भी नहीं उड़ रहा। तो बात ये कि उस वक्त जोड़े नहीं वो साल आपने सही नहीं ना दिया वो सही नहीं दिया हाँ जी वो आपने कबूतर सही नहीं दिया दूसरे आपने नहीं देखनी कि मेरे में गलती है कौन कौन सी नहीं मानते उन्हें कहना साथ में कबूतर ही मुझे असली वाला दिया गलती तो अपनी मानते ही कोई नहीं है ना। खेल आप यकीन करें खेल पानी है शागिर्द आते हैं लेके चले जाते हैं भी कोई गोली उसको दे रहे हैं अपने कबूतरों को लगा रहे हैं लगती है
एक कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, एक के नहीं उड़ रहे। बोला जी उस गेम गोली सही थी उस्ताद ने मुझे सही नहीं दिया। ये आपने किया क्या था इनके साथ, आपने आपके कबूतरों की सेहत कंडीशन, उनका टेम्परेचर क्या था, उनकी डाइट की पोजिशन क्या थी, ये नहीं मानेंगे। गोली लगे रात करेगा उनका। उस्ताद जी एक क्लास में ना 40 बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट एक का नसीब बनता है, एक का बनता है, ठीक है ना जी। अब बना कबूतरों में क्या आगे कहते हैं, और साड़ी लक ने काम नहीं किया, उनकी लक बड़ी तेज थी, पोते का पुत्रा पढ़िया तू कख भी नहीं है, इंज चला गया पेपर देने लई, ते लक तेरी कित्थों काम करी। सही बात है, मेहनत करो पढ़ो समाज जाओ ना, लक बाद की गल है। अजी क्यों आप 15 घंटे 14 घंटे कुटे में बैठे रहते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनको समझाना है, उनकी सुननी है। और जिस वक्त शागिर्द को फोन करो वो सोया हुआ होता है, जगाना पड़ता है। सरकार की पता नहीं किधर पहुंची हुई होती है, ठीक है जवाब, वो किधर कौन सी दुनिया में पहुंचा होता है। सुबह 4 बजे तक लगा रहा बातें करता रहा व्हाट्सएप के ऊपर और इनके ऊपर, पता नहीं जाएगा। 5 बजे खुदे में खुद फ्रेश हो, मालिक नमाज पढ़ के बैठा हुआ, उसको मजा आता है, फिर कबूतर उठता है। आप उठो 12 बजे नहीं नहीं, वो ताजी फिर आप साध हो ना, साध इधर ऐसे थे शिकीरते हैं, वो बोलते हैं साथ से पानी लाएंगे ना लगाएंगे शाम को, उड़ जाएंगे उन्हें नाउज मिला मजाजी खुदा ही अपना चाहता था आपको बना, वो लोग नाकाम हो जाते हैं। तो जब उनको जुतियां लगती है ना, फिर कहते हैं इस दफा साथ में पानी सही नहीं दिया, ठीक नहीं था पानी दी, उससे अगर ताजे हाथ बदली कर दी। देखो बाबा जी, आजकल जिस हम शौकीन से मिलते हैं, जिस आगे से उस्ताद कई जगह रहता है पंजाब, पंजाब के पी के बलोचि साहब, ये जो बोलियाँ ना मॉडर्न मोटीवाल डेटा कोटे डेटा रे, सबको नाम आते हैं इनके। जिसके घर पे जाओ कहता जी मेरा कबूतर सबसे अच्छा है, वो देखने वाले को पता चल जाता है कि कितना अच्छा है, और गोलियाँ कूटी जा रहे हैं। हर बंदा ना उस्ताद बना हुआ है, अगर कोई हकीकी उस्ताद उसे जेन्युइन बात बताता है ना, बेटा ये आप थोड़ा इसका डोज कम करके इसका थोड़ा बढ़ाएं, इस तरह सेटिंग करें कबूतर यूँ तैयार करें, इतने पागल आदमी यार मेहनत करवा रहा है कबूतरों पर, मुझसे सुबह से रात तक उनको पीटना है उड़ाना है। हम तो रात 2-3 दिन बजे कबूतरों को पीट उड़ाते हैं, रात 3 बजे के बाद पहला कबूतर में बैठाते हैं। और जेठ में मेरा रिकॉर्ड है बाबा जी खेल में होगा कि रात 2 बजे रात को जेठ में पहला कबूतरबाजी मेरा बैठा रात 2 बजे। तो अब क्या खुद बैठ गया, आखिर लाजमी उसके पीछे दो बड़ी मेहनत शामिल है। कराची में मौसम ठंडा है ना, मौसम ठंडा तो बर्फ पड़ रही है, मामे आ जाओ ना कराची फिर उड़ा के तो दिखा दो। 46 टेम्परेचर था उस दिन और विंड प्रेशर उस दिन तकरीबन 35 से 50 तक चला है। मोटरसाइकिल ही रोड पे खड़ी हुई, हवा फेंक रही थी उसके नीचे गिर रही थी, कबूतर रोड पे लग के चल रहे थे रात 9 बजे तक। 9 बजे के बाद हवा संभली तो कबूतरों ने जो है ना, मतलब खुद तो नहीं होता ना, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। शदीद तरीन मेरे हिसाब से गर्म तरीन मौसम भी होने कबूतर फिर भी इंशाल्लाह उड़ के जा रहा है। सबसे पहले आप अपने मौसम को समझो कि यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बाजी के दिनों में विंड प्रेशर क्या होता है, और आपकी रात कितने बजे हो रही है, ये तमाम चीजें आप इल्म में हो, उसके बाद आप उसका कुंदा हड्डी स्ट्रक्चर पे काम करें, फिर उसके बच्चा निकलता है, फिर उसकी तैयारी के मराहल हैं, उन सबको आप 100% पूरा डेवलप करने के बाद जो है एक अच्छा कबूतर तैयार करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। और अब फॉर एग्जांपल यहाँ दुबई में कबूतर माशाल्लाह, अभी कबूतर 7 बजे तक बैठा 8 बजे तक बैठा, क्या पता मैं घर ले जाऊँ मेरे को 12 बजे भी ना बैठे, ये हो सकता है ऊपर से ही ना आए। तो वो अपना जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना तो लोग जितना हमें ना पागल कहते हैं, ठीक है ना जी। देखिए ना कि अपना कराची या अपना जो हमारा के पी के है, बिल्कुल ये सतह समुद्र से ऊंचा कितना है, जिस इलाके में जाएगा कबूतर उसने उतनी हाइट पकड़नी है ना, हाइट पकड़नी है। एक 2 किलोमीटर कबूतर उड़ने वाला है लाहौर में, उसको जब कराची में लेके जाएंगे तो किधर जाएगा, कौन सी बुलंदी पकड़ेगा, निकलेगा ही नहीं, और ज्यादा हाइट पकड़नी है। जो कराची से लाहौर का जो डिस्टेंस है वो मारने के बाद उसे 2 किलोमीटर जाना है, फिर उधर उसने जाकर फौत हो जाना है, फौत हो जाना है, क्योंकि उसको तो एक आदत पड़ी हुई है उड़े हुए कबूतर को।
तो जब वहाँ पर ही जाके बच्चे निकलेंगे वो एक अपना पैमाना पकड़ लेंगे, उस पैमाने में उड़ने शुरू हो जाएंगे। अब बाबा जी ये इतनी आगे की बात जो आपने की ना, बहुत आगे की बात है ये। हमारे कई असमाना ग्राम जो नामवर लोग है ना, इन बारीकियों को वो भी नहीं मानते हैं, ना माने तो फिर वो ये बात ना जानते हैं, जानते नहीं। शागिर्द आते हैं जी, ये आजम नहीं होते, उस्ताद बाबा सिकंदर ने, उस्ताद वासिफ ने ये बात की, मैं ना मानूं। नहीं आप फेसबुक पे अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, यूट्यूब पे मशहूर कर रहे हैं, यार आप तो गहराई में तो जाओ और बात को समझो सही। अपने घर पे अपने कबूतर को देखो, अपने दीगर इलाकों में अगर आपके शागिर्द हैं दोस्त हैं, उनसे मालूम करो कि आपकी क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है। फौरी तौर पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, कांटे से मारते हैं, नहीं फेल, ये नहीं होना चाहिए। मौला मौला अली ने फरमाया कि जाहिल से बैत करने का मतलब है दीवार से बात करना। अब ये जाहिलों को भैंसों के आगे, आप भैंसों के जाके आगे जाके जो उनसे मर्जी तकरीर सुनाई जाएंगी उनको क्या मतलब, उन्होंने तो एक ही बात बोली है, ले इन्होंने की पता ये छत चढ़ दे, इन्होंने की पता कबूतरा था। ओके सही है, मनोगे तो डब्बा भी मनेगा, एक टाइम आएगा। अभी मोबाइल आपकी जेब में होगा आपका, अभी जब ये बाजी बाजू के मसले भी चल रहे थे ना, थोड़ा आगे पीछे रखते मुझे थोड़ा सा ना अफसोस हुआ था। मेरे को बाबा जी का नंबर था उस मोबाइल में, मैंने ने सलाम का मैसेज भेजा, उनका पर मुझे दूसरे दिन बुलाई है, मोबाइल आपके पास है और इसमें भी सेव है, उनके पास भी सेव होगा। जहाँ देंगे हम इंशाल्लाह देंगे बाबा के, हमने प्लान कर लिया था, हमारे को दोस्त हमने सब मीटिंग कर ली, तो शाम जमाने वाली बात नहीं, मैं बाबा को फोन करके बोल दूंगा कि दोस्त चला जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने दिल में बात रखी और फिर मैंने बाबा जी को कमेंट भी किया, तो मैसेज व्हाट्सएप पर मैंने भेजा, कोई चीज़ नहीं थी। आप अपने हंसते थे, आप खड़े हुए थे, लोग आपके साथ थे, इस बात के अलहमदिल्ला बड़ा। सर आप, मैं आपकी इस बात को जो ऑन एयर सराहता भी हूँ और आपको जो था इस बात से शुक्रिया भी आपका अदा करता हूँ। देखिए जब आप किसी अच्छा काम करने के लिए चले हैं ना, तो आपने पीछे नहीं देखना कि आपके साथ खड़े कितने हैं, हक पर ही थे ना जो दिबा हुए थे और जिन्होंने दिबा किया था आज तक लानते खा रहे हैं, आगे भी क्यामत तक उन्होंने लानते ही खानी है। तो आप अपने दीन को देखें ना, और जो हमारा दीन कहता है उसके हम अगे ऐसा हो ही नहीं सकते, जो हक में खड़ा होगा ना वो अकेले ही रहेगा, बहुत कम होंगे इसके साथ। लेकिन लोगों ने साथ दिया, बहुत दिया, बहुत भरपूर दिल से यार। ये आप बिलीव करें, हमारा शौक है, रिस्क है हमारे नजर में, अभी शौक है हमारा। सर आप बिलीव करें, मैं सोच भी नहीं सकता कहाँ कहाँ से मुझे लोगों ने कॉलें की और किस किस ने मुझे कहा ऑन एयर सबके लिए। मैं जो था ना उस चीज का ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी हमारी छत दे दे, हमारे साथ ऐसा कर लें, इनको हम पकड़ लें। मैं बोला यार बात ये है कि मैं आपकी छत दे दूँ, शौक भी हो जाए। इन्होंने फिर नहीं मानना, इन्होंने कहा अपनी छत तो नहीं दी, अपनी छत तो नहीं दी। बीच में हमने एक आवाज़ सुनी थी कि वो दूसरे शहरों से छतों की बात हो रही, तो हमने काम दे दी। नहीं दूसरी छतों से तो मैंने उनको उसी वक्त कह दिया था दिथे वाली छत, सारे कबूतर बच्चे भी मेरे हैं, बच्चों की बाजी लगा लो। तो बोलते नहीं लाहौर यूनिवर्सिटी है, लाहौर में छत देनी। मैं ना मानू ना, मैं चलो ठीक है, जरा अल्लाह पाक आगे बेहतर करे, अच्छा हो इंशाल्लाह, शौक बेहतर होना चाहिए। देखे जी अब उन्होंने इस काम में डाल जो दी है, अब इस काम में जो डाल जो दी है, ठीक है ना जी। तो मैंने तो कबूतर बेचने नहीं, उन्होंने बेचने होते हैं, तो मैंने जो अपनी प्लाजे वाली छत पे वो इंशाल्लाह वो भी बना लेनी है, तो मैंने फिर कबूतर ही बस उन्हीं के लिए रखने, जब वो छोड़ेंगे जब मैं छोड़ूंगा। सही बात, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह को 2-4 लाख रुपए के खर्चे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो 2-3 दिन महावा तो छत पे ही बैठे रहेंगे और हर टाइम जो था उन्हीं के पीछे होंगे, भाई असू आ गया वसू डालो, बसाख आ रहा भाई कुछ कर लो हमारे साथ, जेठ आ रहा उड़ा लो, हाड़ आ रहा उड़ा लो, हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं को प्रॉब्लम होनी है, उनके गुटे खाली होने हैं। जब 4-5 सीजन उड़ाएंगे तो उन्होंने तो बेचारों ने बेचने भी होते हैं, तो वो बेचने कहाँ से है फिर, तो मेरे साथ बाजी नहीं लगाएंगे। मैं तो फिर जो था अपने उस्ताद के पीछे मैंने पढ़ के और लगानी लगानी उनसे बाजी की, मेरी इनसे बाजी लगवाओ हर हर जो थी सीजन की, मैं तो हुई नहीं था। दलेर शौकीन की निशानी होती है, बात और शौकीन वाली शौक है ना। सर देखे ना तू मैं खाम था, एक बंदा बता रहा यार मैं नहीं उड़ाता, मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ, मेरा बिजनेस उधर है, मैं सिर्फ लोगों की इस्लाह करने के लिए कोशिश करता हूँ, ये कसूर है और क्या।
और कईयों के जो थे वो खाबे बंद हो गए होंगे, वो खाबे बंद हुए ना तो उनको ज्यादा तकलीफ हुई, जिनके खाबे बंद हुए उनको ज्यादा तकलीफ होगी अपने बहुत ज्यादा। देखिए सर जो हम बातें करते हैं क्या हमारे कबूतरों से मैच भी कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल 100% जी नहीं मैच जीती सी दस दी बंद कर भाई मुझे भी दिखाइए भाई जेते हो रहा जहाज के लिए गिफ्ट किया था। अच्छा मोर में आया 4:30 बजे जेत में गए माशाल्लाह। तो पता उसका भी बताओ ये कितने बजे तक पूरा भाई ये भी बताओ ये कितना दफा उसका की रात रहेगा। अच्छा हां इसलिए हम बंद किया पूरा जाओ जोरा में माशाल्लाह। जावेद साजी देखिए ऐसी कोई क्वालिटी है अभी इसमें रात रहने वाली कि नहीं? जी क्वालिटी उड़ान ही बहुत ज्यादा है, उड़ान ही बहुत ज्यादा है कबूतर में। और ये कबूतर जब उड़ेगा तो बताए भी तो सही ना अभी एक नहीं, आप महान आपके सामने चैंपियनशिप है सारी नहीं नहीं आप बताए ना जरा इसमें कोई अच्छे पॉइंट की टिप देना क्योंकि उनका भी टाइम जोन था इतना हम लोगों ने लिया था उसको फायदा भी तो करे। देखिए हमें जो जाती एक चीज कबूतर में हम परखते हैं ना हम सबसे पहले जिस जगह पर कबूतर मैं देखता हूँ जाती तौर पर उस इलाके का पहले एनवायरनमेंट देखता हूँ कि यहाँ क्लाइमेट क्या है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल एक कबूतर मैं अपना कबूतर ला के इस जगह पर आपको दे दूँ आप उसके बच्चे उड़ाओगे ना बहुत अच्छा कबूतर होगा लेकिन शायद वो 10-11 बजे बैठ जाएगा और मर जाएगा। इतनी गर्मी जिस तरह बाबा जी बता रहे हैं इस टेम्परेचर के अंदर वो नहीं उड़ेगा। तो कबूतर का जो कुंदे की चौड़ाई है वो टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कबूतर को सुबह छोड़ते ही बंदी में जाएगा ये फौरन जाता होगा आप फड़के आपने लिए इसको जब छोड़ेगा जल्दी आसमान जाएगा जल्दी आसमान। ओके बात ये इसे कुंदे की जो चौड़ाई है वो ये बता रही है सी बात ही ये जो इसका पर के अंदर ये जो खम आ रहा है ना ये जो टर्न आ रहा है ये बहुत पॉजिटिव साइन है हमारी नज़र में कबूतर के पर के कुंदे के अंदर। ऐसा कबूतर खुद भी रिजल्ट देगा और आगे बच्चों में भी ये उड़ान पैदा करेगा। इसकी जो ये बोन है जो ये हड्डी जो कहलाती है इसकी जो लेंथ है वो इसके कबूतर के अपने साइज और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल बनी हुई है। ये इक्वल बन जोड़ का कबूतर है मुलायम कबूतर है यानी हाथ रखो जैसे रेशम हाथ में पकड़ा हुआ है ये पॉजिटिव साइन है इस कबूतर का। और जो एक समझ और हम जो अपने कबूतरों में जो चीज़ देखते हैं ना समझ शऊर के हिसाब से कि भाई ये कबूतर है वो 12-13 घंटे खुद उड़ रहा है हमने उसको 20 घंटे तक लेके जाना है जेठ में। तो ये जो कबूतर को आप इस तरह स्ट्रेट करके पकड़ेंगे जो इसका टॉप है ना सर का ये जो टॉप है ये थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट है तो वो कबूतर आपकी सख्ती बर्दाश्त करके अपनी अकल और जहानत की वजह से बाहर नहीं बैठेगा वो घर ही आएगा। हम 12 घंटे से उसको पहले 14 घंटे पे ले जाते हैं पीट के फिर 14 घंटे की उड़ान खुद बना लेता है उसको पता चल जाता है कि मालिक 14 घंटे चाह रहा है। फिर हम 15 घंटे पे ले जाते हैं फिर 16 घंटे पे ले जाते हैं बगैर कुछ लिए दिए अपनी रिहाइश खुराक के ऊपर। अच्छा सर जी इसमें एक सवाल इधर ही करता अगर आप नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल अगर हम इसको कसूरी कबूतर का क्रॉस देते हैं तो जिस तरह आपने फरमाया ना अभी ये वाला सिर नहीं रहेगा सिर बदली हो जाएगा। देखें ये जो पॉइंट है ना इसके सर का लेकिन जो बाकी पॉइंट्स कसूरी कबूतर के अपने भी तो पॉइंट्स काफी सारे पॉजिटिव होंगे ना वो चीजें मिलने के बाद इसके सर का अगर पॉइंट में ढलान भी आ जाती है तो वो कवरिंग कर जाएंगे। यानी कि जो जिस तरह पॉइंट देखे जाएंगे तो वो अलग अलग ब्रीडों के हिसाब से देखे जाएंगे अलग अलग ब्रीड के हिसाब से
और अब यहाँ कोई कसूरी कबूतर है इस टाइप का? ठीक, बहुत सारे वाला। तो उसके जो पॉजिटिव साइंस होंगे ना, वो जब इसमें कन्वर्ट होते हैं या तो दोनों बच्चों में ये खूबी आ जाएगी कि सर फ्लैट ले आते हैं, या शायद दोनों बच्चों के सर राउंड हो जाते हैं। और अगर सर राउंड भी नहीं होते तो इसका जो दीगर जो ताजी खोपड़ी है ना मादर, वो जरा मोटी है और लंबी है। लंबी है, बड़े खोपड़ के कबूतर है, जैसे बहुत सारे सियालकोटी कबूतरों की खोपड़ियाँ बड़ी होती हैं। ठीक है। और जो फरोजपुरी कबूतर है ना, क्यों ज्यादातर लोग बोलते हैं कि टेडी कबूतर के अंदर फरोजपुरी है, ये जो इस तरह का गुलाई वाला शेर है ना, ये ज्यादातर जो होता है ना फरोजपुरी कबूतर की, जो लोग कहते हैं जी जी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फरोजपुरी कबूतर का सिर्फ छोटा और गोल है जिस तरह टेडी कबूतर का ज्यादातर। जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं वो आपको भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वो फिर इस तरह के गोल सिर के कबूतर ढूंढने शुरू कर देंगे। बिल्कुल, वो दूसरी नस्ल के कबूतर किधर जाएंगे फिर? अब देखो ये कबूतर है ना, इसको मैंने देखा नहीं है कसूरी कबूतर, इसकी बगैर देखे जो है ना इसके सर पर आप हाथ रखें, बगैर देखे इसका सर आपको फ्लैट फील होगा। देखें तस्वीर वाला दूजा कबूतर भी लिया बड़ा, बल्कि ये तो यहाँ से नजर भी आ रहा है। देखिए आप चेहरा देखें, बिल्कुल इसके साथ हम इसके चेहरे को मिलाएंगे ना, बहुत ज्यादा फर्क उसकी वो जो है ऐसे गुलाई आ रही है। ये थोड़ी थी, अभी इसमें मैं आपको दूसरा कबूतर भी दिखाता हूँ। इससे भी ज्यादा अच्छी उसका सर फ्लैट है जो हम देखते हैं, देखना फिर वो कुछ बातें जो थी होती है ना वो बताने में कोई डिलीवर करने में फर्क आ जाता है, फर्क आ जाता है, वो समझने वाला को इसको नेगेटिव ले जाता है, नेगेटिव ले जाता है। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ लग रही। बिल्कुल ठीक है ना जी, दिखा ये देखिए, फ्लैट है। ये नहीं फ्लैट आपको कहने का मतलब कैसे है? सीधा ऐसे ऊपर से सीधा होना चाहिए, यहाँ ऊपर ये जो आगे से फ्रंट है ना, चेहरे को छोड़ दें आप जी, चेहरे के बाद का जो पोर्शन है ये टेंड है जी जी, टेंड टेंड जो है अक्सर कबूतरों की हमने देखी है जब उसमें आप हाथ ऐसे है ना, ऐसे होती है, यानी मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा उसकी बैठी हुई है जी जी। जब इसमें आप यूं ऐसे बल्कि यूं आप पकड़ के हाथ रखे ना, आपका अंगूठा उसके ऊपर, ये देखे ना ये थोड़ी गुलाई में जा रहा है जी जी, यहाँ से इसको सीधा होना चाहिए, ये भी कबूतर वो तो कई दफा जो होता रहते रहा हुआ है, पट्टा है ना छोटा, ये भी रहता रहे ना, ये दोनों कबूतर देखे हम, देखें ये कबूतर ही माशाल्लाह, इसका जो ये पोर्शन है आगे वाला, इसके जो पीछे यहाँ से आप इसके सर पे हाथ रखाएंगे, बल्कि जो ऐसे स्ट्रेट पकड़ के ना आप अंगूठा रखेंगे ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा अपने अंगूठे को आप घुमा के चेक करें तो वो आपको फील होगा बाकायदा कि भाई ये इस तरह में नस्ल के हिसाब से आई है। नहीं नस्ल में स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से। अच्छा आपने अभी फरमाया कि उसकी और कसूरी कबूतर की थोड़ा साफ फर्क होता है, चेहरे फर्क जरूर होता है, चेहरे देखे ना कसूरी कबूतर का लंबा चेहरा होता है, लंबा चेहरा ऊपर से उसका सिर भी जो होता है ना, जैसे आप बोल रहे हैं आप मुझे समझ लग गई है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट होता है, पूरे फ्लैट होता है जी जी। फ्लैट जो फरोजपुरी कबूतर है ना जी, वो जिस तरह ये है ये गोल, ठीक है, गुलाई में दोनों जोकर है, वो भी शाम तक उड़ता है, वो भी शाम तक उड़ता है, फरोजपुरी कबूतर नहीं होता है। मेरा जो कहने का मकसद है कि हम इस कबूतर को इसलिए पसंद करते हैं कि मजबूती ज़्यादा होती है उस कबूतर में, जो हमारी लठ रात 10-11 बजे के बाद हम शुरू करते हैं तो घर आता है। नहीं 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 देखें साजी आप मेरी बात को इंशाल्लाह एग्री कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई और बंदा हो ना तो ये पहली तो बाद में उसे बात भी ना करूँ, सही है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी जो था ना सीखने और सिखाने के मूड में रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। लो फ्लायर कबूतर का और हाई फ्लायर कबूतर का क्या आप समझते हैं कि डिफरेंस है या नहीं है? देखें कबूतर तो
نسل کے حساب سے پرفارمنس کے حساب سے فرق ہے, کبوتر میں فرق ہے. اب جس طرح عام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہاں 200 کبوتر ہے تو شاید ان میں سے ہر کبوتر کی ایک ڈفرینٹ معیار ہو, ایک اس کا الگ سوچ ہو, ہر ایک کبوتر کی الگ اڑان ہو. تو اس طریقے سے لو فلائر کبوتر کی عادت و اتوار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس سے الگ ہے. اب فار ایگزامپل لو فلائر کبوتر کو اگر ہم 4-5 دن نکال کے پھڑکاتے ہیں نا, تو وہ اگر 10 کبوتر اڑاتے ہیں 10 کٹھے ہو جاتے ہیں. انہوں نے مل کے چلنا ہے, اوپر بھی جانا ہے مل کے, نیچے بھی آنا ہے مل کے, چھوڑیں گے نہیں دوسرے کو, پکڑ کے چلیں گے. اور اگر آپ ان کو میرے خیال میں ایک نارمل طریقے سے اگر بغیر کچھ چیز کوئی دیے ہوئے جوڑنے کے لیے ان کو آپ اڑاتے رہیں, جڑیں گے نہیں, یہ اپنی اڑان پیش کریں گے, بندی میں جائیں گے, نیچے بھی آئیں گے, اکیلے آ رہے ہوں گے, کبھی 2-4-5 منٹ کٹھے ہو بھی جاتے ہیں, یعنی ان کی فطرت الگ ہے, فطرت الگ ہے ان کی, فطرت الگ ہے. ٹھیک ہے نا جی. لو فلائر کبوتر سارا دن کندا چلاتا ہے, ٹھیک ہے. ہائی فلائر کبوتر 2 کلومیٹر کے اوپر جا کر گلائڈ ہو جاتا ہے, پر نہیں چلاتا, پھر زاویہ پکڑتا ہے. دیکھیے آپ جب بھی یہ بندی میں سے کبوتر نکلتا ہے, زیادہ تر کبوتر پر نہیں چلا رہا ہوتا, فلیٹ آ رہا ہوتا ہے. کبھی بھی لو فلیئر کبوتر ختم بھی ہو جائے گا تو فلیٹ نہیں ہوتا, وہ کندا چلا ہی رہا ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیں اگر ہائی فلائر کو دیکھیں تو کئی شاید ایسے کبوتر ہوں گے جو کندا چلا کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. ہم کل ایک چھت پہ گئے تھے, کیا نام تھا چھت پر, ہاں انہوں نے یہ بات کل کی نا, وہاں جو صاحب تھے, کہ ہمارا کبوتر آتے بھی کندا چلا کے آتا ہے. جب لائی بند ہوگی نا, ہاں, تو آپ کو پورا اس کا جو ہوگا نا, آپ کو سائڈ بھی بتا دوں گا اور آپ چیک بھی کر لیجیے. چلیں ٹھیک ہے جی, لائی ہو گیا اس کا اینڈ کر دیں. ویسے ماشاء اللہ جی, شوق کے حساب سے بابا جی نے بڑی زبردست باتیں کی اور شوق کا مزہ آیا اس چھت پر آ کے, اور آپ کی شخصیت کے ساتھ. اور ماشاء اللہ ہمارے, ہم سمجھتے تھے جی پاکستانی بہت بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں, لیکن ماشاء اللہ استاد نے بھی جو ہے وہ کمی نہیں کی. جس طرح آپ نے بتایا کبوتر انہوں نے کس طریقے سے دوبارہ ریبلڈ ایک مشورے کے اوپر, اور ماشاء اللہ ریکارڈ ہے جی, آن دا ریکارڈ, ماشاء اللہ آن دا ریکارڈ ہے. یہ میری اکیلے کی بات نہیں ہے, 9 بندے ادھر موجود تھے اس دن. اچھا 9 بندے اس بات کے گواہ ہیں, شہادت ہے. بہرحال مزہ آیا جی شوق کا, اللہ پاک خوش رکھے. بابا جی سے پھر ابھی آف کیمرہ بھی گپ شپ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آپ ساتھی جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں, آپ کا سب کو بہت بہت شکریہ. جو چیز ہماری اچھی لگا کرے, آپ فیل کرو کہ وہ کبوتروں میں آپ کے اچھے کبوتروں میں ہے, وہ اڈاپٹ کر لیا کرو. اور جو چیز آپ کو لگے کہ جی وہ ہمارے اچھے کبوتروں میں وہ چیز نہیں ہے, تو ہماری رہنمائی کریں, ایک میں سنو دوسرے نکال دو, نکال دو, اور کوشش کریں ہماری بھی رہنمائی کریں نا. ہاں جی, کیونکہ ہر ایک کے پاس فن ہے نا. ہاں جی, تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.